निमंत्रण खाली करा रहा हूँ, नाम लिखा था और काम करो ही गावे घर में मिलते तो उतना लगा है जाना का जरूरी हो। हाँ और सुन ले चीज, अगर बाहर जाए भी रहने तो एक चीज के हमेशा ध्यान रखियो, कौन चीज पता हो? अरे मुंह में मास्क लगाना बड़ा जरूरी है। हे बेवकूफ, मास्क बोला ये तो मास्क बोल सुन रहे, ऐसन वाला मास्क कैसन वाला? हाँ कहाँ रख ली? कहाँ? तो पॉकेट में रखा चीज है, लगा लगा बेवकूफ कहीं के पॉकेट में रखा चीज है, लगा तो तीनों लगा, तीनों लगाओ। हाँ हाँ कम साथ लगा लेना। लग ले उसने लग बोलते हैं हाँ हमरा दर्द तो कैसे लग लिया? अरे तो हम रखिए बंद है हाँ? अरे मास्क ऐसा लगाना कि मुंह और नाक हमेशा ढकल होना चाहिए, समझ ले? हाँ नाक भी ढक। अरे भैया मास्क नहीं लगे थे ने तो पहले सांस और बांध लीजिए।
समझ गए ना, इसलिए नाक में ढकना चाहिए। हाँ, और बाहर जाए तो इन बड़ी खुशी की बात है, काम करे ले वहाँ सामाजिक दूरी भी रखना हो। अरे समाज से दूर नहीं रहे बेवकूफ कह के, सामाजिक दूरी जैसे कि जहाँ भी खड़ा रहे वहाँ से कम 2 मीटर की दूरी होना चाहिए, तो हमारे 2 मीटर की दूरी होना चाहिए, समझ ले। हाँ आदमी से कहे कि भैया अभी तक जो कोरोना होने कोरोना जो बीमारी हो वो खत्म ना है ले हो, जरा कि COVID-19 बोलल जाए वो अभी तक खत्म ना है ले हो, तो जब तक से दवाई ना आए तो तब तक से सतर्कता बरते हैं। तो बोले अरे तो गाड़ी घोड़ा चले बाजार उजार जाते तो सब मास्क लगा के जाते कि ना, दूर पे नहीं चला थे कि ना, समझाओ तो समझ में ना आओ। समझ में लो, और समय समय पर हाथ धोना बड़ा जरूरी हो, कोई जरूरी ना साबुन से ही धोना, अगर साबुन नहीं जी चलो तो कम से कम पानी से भी हाथ धो लेना हो, समझ गए ने। हाँ समझ में लो, और काम आप कहाँ मिलते हो, और मास्क लगाना जरूरी हो है कि नहीं, और सामाजिक दूरी भी बना के चलना, चल जाओ घर जाने के काम कर जी बताओ तो। हाँ गाँव गाँव में काम करना, इसलिए जा बाहर ना जाना, चल पदाधिकारी थे यहाँ तक
रामगढ़ के पुलिस कप्तान जो व्यक्ति वो खुद लेडीज थी, रामगढ़ प्रखंड के वीडियो वो खुद लेडीज थी, ओला प्रखंड का लिए वीडियो वो खुद लेडीज थी, दुलमी प्रखंड का वीडियो वो खुद लेडीज थी। तो वो लोग पढ़े लिखे तभी तो वो लोग ये लड़की है हमारी, पढ़ लिख के क्या करेगी, इसको ससुराल जाना ही जाना है, वहाँ जाके चूल्हा फूकना ही फूकना है, खाना बनाना ही बनाना है। तो फिर वो सोच अगर रखते उनके माता पिता तो उनको पढ़ाते और ऊंचे ओहदों पर पहुंचाते। तो ये सब विचार जो है मन में, इसको हटा दो, मन से निकाल दो। अच्छा, क्या वजह से नहीं पढ़ाना चाहता है? खैनी कितने के खाते हो रोजाना? बाप रे बाप, तुम्हारे पास जहर खाने के लिए 20 रुपया है और बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ अपना मन लगाना है। स्कूल भेजने में क्या खर्च है? वहाँ नामांकन का पैसा देना ही नहीं होता है, खाने के लिए सोचना ही नहीं होता है, पोशाक के लिए सोचना ही नहीं होता है। और तो और 8वीं से लेकर 12वीं तक जो भी पढ़ेगी हमारी बेटी, उसके लिए सरकार सारा खर्च उठाता है। तो फिर पढ़ाने में कहाँ दिक्कत है, सो बताओ। ये 20 रुपया बचा के ना तुम अपना जिंदगी और अपनी बेटी का भविष्य बना सकते हो, समझ गया ना? ये खैनी खाने से क्या दुष्प्रभाव होता है पता है? अरे फेफड़ों में कैंसर होता है और बहुत जल्दी वो आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। इसलिए खैनी और धूम्रपान से दूर रहो, समझ गया ना? आज ही कसम खा के आज के बाद खैनी तंबाकू नहीं खाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाओ। तो कब से भेज रहे हो? ठीक है, कल नहीं सोमवार को इसको स्कूल भेजना, हम नाम लिख लेंगे और उसके बाद उन्हें तुम पढ़ेंगे ना। ये पढ़ना चाहती है कैसे माँ बाप तुम लोग एकदम समझ नहीं। आओ सांप्रदायिक भेजे कहते मीटिंग वोटिंग में हमरा तो इनका हो जाए ना दाय कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम समझ आवे ना करे कौन डक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहा थे। अरे तू पढ़ेगी तब तो बेटी बची। देखो मां, एक बेटी है और उसका शादी अगर होके ससुराल चली जाती है उसके बच्चे आती है, लोगों को बताती है और उसके देखा देखी पूरा समाज पढ़ता है। लेकिन एक लड़का अगर पढ़ता है तो सिर्फ वो बहुत ज्यादा उन लोगों को पढ़ाता है। लेकिन देखो शाम कम से कम, अभी तुम बात कर रहा अभी काम में जाता तुम जा रहा था ना, तो शाम में कौन देखते हो? सुबह में दिन में कौन देखता है? उसकी माँ देखती है, वो बेटी है, पढ़ी लिखी माँ रहेगी, बोलेगी बेटी बेटा अब शाम का समय हो गया, चलो ये हल्का किला कॉपी लेके और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन बेटे बाप को ये सब मतलब नहीं होता है, इसलिए ज्यादा बेटी पर भरोसा करो और बेटी को भी बेटा समझ के पढ़ाओ लिखाओ, समझ गया ना? बेटी पढ़ेगी तभी बेटी बचेगी, है कि नहीं? तो हम चले अब। ठीक है, चल बात कर ले।